Children, welcome to Emmanuel Pundi, August 2020, Day 11, Class 7, Subject Mathematics, Chapter 6, Triangle and its Properties. कल हमने exterior angle property of a triangle के बारे में पढ़ा था. आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं angles and property of a triangle. Angles and property of triangle का मतलब क्या है कि triangle के तीनों angle का sum 180 होता है. ये आपको प्रूव कर रहा है. और इसका प्रूव भी हम कल की ही theorem से उठा के लाएंगे. वहीं से ही सीखेंगे, वही थ्योरम यहाँ इंप्लीमेंट होगी और इसी उसी को यूज करते हुए हम यहाँ बताएंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो उसका स्टेटमेंट है हमारा दोनों थ्योरम का, प्रूव दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. अब इसके लिए आपको क्या क्या गिवन है देखिए, ध्यान से बोर्ड पे देखिए, फिगर भी होनी चाहिए सब कुछ. मैं पहले सबसे पहले मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ और फिर फिगर बनाने के बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा. सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ गिवन. गिवन क्या है, आपको क्या क्या दे रखा है. गिवन ट्रायंगल एबीसी एंड एसीडी इज एंगल एसीडी इज एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, और जो प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180. इन तीनों को मैं जोड़ूं, कुछ भी इनकी वैल्यूज हो, लेकिन एड करने पे क्या आना चाहिए, 180. अब कंस्ट्रक्शन में मुझे कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि मैं पुरानी थ्योरम यूज कर रहा हूं. सो आई डोंट हैव टू यूज एनी कंस्ट्रक्शन हियर. नाउ प्रूफ, सीधा ही मैं प्रूफ पे आता हूँ, प्रूफ की बात करते हैं. प्रूफ तो मैं देखिए, सबसे पहले मैंने बोला आपको एज एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 2. यस, ये होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. इसको इक्वेशन बनना और दो, अभी मत दो इक्वेशन बनो. ए सी डी क्या है आपका, 4. तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब नाम दो इसको इक्वेशन 1. क्यों, क्योंकि ये 1 हम आगे कहीं यूज करेंगे. नाउ सी, as BD is a straight line. BD क्या है आपकी, straight line है. So angle ACB यानी सीधा लिखूं मैं, angle 3 plus angle 4 equals to 180 होगा. कोई भी मुझे इसका reason बता दो क्यों होगा. दो reason है, पहला reason linear pair भी हो सकता है और दूसरा reason straight angle. दोनों ही, कुछ भी ले सकते हो आप. Now, अब जरा देखिए कि आप 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 2 लिख सकते हो क्या. क्यों, क्योंकि 4 किसके बराबर है, 1 प्लस 2 के बराबर है. तो ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180. यही तो आपको प्रूव करना था. वो उसे देखो, बस जंबल्ड हो रहा है. तो कोई बात नहीं, इसको वापस अरेंजिंग कर दो ढंग से. और ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180. हेंस प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया. यही तो चीज आपको प्रूफ करनी थी. आज के लेक्चर में हमारा यही था एम, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. वो हमें प्रूफ करना था. क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के दो एंगल दे रखे हों तो तीसरा एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे. दोनों को ऐड करो और 180 में से माइनस कर दोगे तो तीसरा एंगल आपका आ जाएगा. ये है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. आई बात समझ में.
Now, we will proceed for the exercise 6.3. 6.3 exercise में हम देखेंगे कि हमारे पास first के 6 parts हैं, second के भी 6 parts हैं, just like exercise 6.2. Exercise 6.2 जो हमने कल करी थी बिल्कुल उसकी तरह है. First के 6 parts and second के 6 parts. But here फर्स्ट के तो एनी थ्री में कर दूंगा, लेकिन सेकंड के स्पेसिफाइड थ्री करूंगा. चलो सेकंड पूरा ही मैं कर दूंगा, दैट डजंट मैटर. ओके, फर्स्ट के थ्री कर दूं ना, बस थ्री तो होमवर्क कर लोगे ना, सेकंड पूरा मैं कर रहा हूं. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको सेकेंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स करा रहा हूँ. इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, वन एंड थर्ड. ठीक है, और पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी होमवर्क नहीं है. फर्स्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का थर्ड होमवर्क में, बाकी कुछ भी होमवर्क में नहीं है. ठीक है ना, बाकी सब मैंने करा रहा हूँ, वैसे करना है आपको. क्यू आर ट्राइंग कर रहे हैं, ये 90 है, ये 30 है, आपको ये फाइंड करना है एक्स. तो लिख में आप बकायदा कैसे इन ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या होता है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180. रीजन इतना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो हम अभी पढ़ के आए हैं. ठीक है, मेरे जैसे लिख दोगे तो भी कोई गलती है, ए एस पी ऑफ ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म में, फुल लिखने की जरूरत नहीं है. P कितना है 90, Q 30, R X, X plus 120 equals to 180, X equals to 180 minus 120, X equals to 60. इस तरह आपने ये X के वैल्यू फाइंड करी. आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, कि इसी ये बेटा ध्यान से देखना, ये x है, ये भी x है और ये 50 है. कोई नियम नहीं दे रखा ट्राइंगल का, तो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट, ए की वैल्यू 50, ठीक है, प्लस एक्स इक्वल्स टू 180. 2x equals to 180 minus 50. इस स्टेप में मैंने क्या किया, x और x को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2x. और 50 equal to इधर आ गया, जो हो जाएगा minus. ठीक है, so 2x equals to 130. x equals to 130 upon 2. तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, 65. Got it? Now, fourth के बाद fifth. वैसे तो मुझे नहीं कराना चाहिए fifth, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ. X, Y, Z. X, X, X. In triangle X, Y, Z. Angle X plus angle Y plus angle Z equals to 180. रीजन, एंगल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. इसकी जगह भी x प्लस x प्लस x 180. 3x इक्वल्स टू 180. तीनों x ऐड हो गए. x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 60. यहां से आपके पास x कितना आया, 60 डिग्री. Now let's proceed for the sixth last question fun ka. देखिए first के last question में figure कुछ थोड़ी सी घुमाई हुई है आपको, क्वेश्चन हल्का सा घुमाया हुआ है.
ये 90 है, ये x है, ये 2x है, आपसे सिर्फ x ही फाइंड करवाया है और कुछ भी नहीं। अगर एंगल्स फाइंड करवाता तो हम एंगल्स ही फाइंड करते। चलो यहाँ ए बी सी ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 इज एन एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की वजह से इन तीनों का सम कितना है 180। ना x प्लस 2x 3x 180 माइनस 90, 90 इक्वल कितना जाएगा माइनस हो जाएगा और x प्लस 2x दोनों मिलके 3x हो जाएंगे। 3x equals to 90, अब x आएगा सीधा, x equals to 90 upon 3, 30, that means ये angle 30 है। अगर वो angle के बारे में पूछता, ये angle 30 है, लेकिन ये angle कितना होता, 2x, 2 into 30, आई बात समझ में, 2 into 30 यानी 60 होता ये angle, but यहाँ question में उसने हमसे सिर्फ कितना पूछा है, x ही पूछा है, इसलिए हमने ये बताया। फिर भी मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल ए इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 30, एंगल बी सी इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 30 60। आई बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा सा हटके, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है और एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, दोनों प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, तो ये दोनों भी साथ में कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। आई बात समझ में। नाउ लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है ये x है, ये y, ये 50 और ये 120। ओके, नाम देंगे हम इनको ए बी सी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 120। रीजन भाई ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर है दोनों का सम, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहां से x आ जाएगा आपके पास x equals to 120 minus 50 x equals to 70। Yes? Now, आप क्या फाइंड करना, y फाइंड करने के पास आपके पास दो तरीके, पहला तरीका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा लो, दूसरा लीनियर पेयर लगा के फाइंड करो, जैसे आपको सही लगे। क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ही लगाऊंगा। नाउ 50 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 120 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लेकिन आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ध्यान रखना एग्जाम में आप कैसे भी कर सकते हैं, y प्लस 120 करके डायरेक्ट करो या फिर ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू मैंने फाइंड करी है 50 प्लस 70 प्लस y, यहाँ पर y y प्लस 120 इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60। y कितना है आपके पास 60, तो इस तरह आपके पास x और y दोनों आ गए 60 एंड 70। क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड क्या कहता है देखिए, देखो बेटा यहाँ दो लाइन क्रॉस हो रही है एक दूसरे से, ए ई और बी डी,
और जब दो लाइंस क्रॉस होती है तो कौन से एंगल बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, दैट मींस 80 इक्वल्स टू वाई, या वाई इक्वल्स टू 80 रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वाई तो आ गया, एक्स फाइंड कैसे करें? एक्स फाइंड करने का सीधा तरीका है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी 50 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 50 प्लस एक्स प्लस 80 180। नाउ x plus 130 equals to 180, x equals to 180 minus 130, x equals to 50, ठीक है। सो यहां तक आज के लेक्चर में बेटा हम यही करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड को मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड होमवर्क में से, बाकी ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है वो हम डे 12 के लेक्चर में करेंगे, ठीक है? क्लियर है बेटा? समझ में आया ना सभी को? दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डू द नेक्स्ट टुमारो।